नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो नेवी है उनकी पावर्स को और भी इन्हांस करने के लिए माजागन डॉक शिप बिल्डर, जो कि एक मुंबई बेस्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है, उनके द्वारा सक्सेसफुली हमारे देश का पहला P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है। एंड साथ साथ में इसको हमारी जो इंडियन नेवी है उसको हैंड ओवर भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों पिछले 2-3 दिन से मैं आपको हमारे देश में काफ़ी डिफेंस की न्यूज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब है उसको टेस्ट कर लिया गया है, एंड उससे पहले अग्नि-5 मिसाइल को भी टेस्ट कर लिया गया था। एंड नाउ दोस्तों तीसरे दिन हमारे देश में P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, जिसका नाम P-15B विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर रखा गया है। और वहीं दोस्तों बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये इसके डेक से एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। एंड ओवरऑल इसमें 75% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो इंडियन नेवी है जल्दी ही आत्मनिर्भर बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों पुणे में लेक्स एंड रिवर की बेटर मैनेजमेंट के लिए पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके एरिया में मूलामुठा रिवर का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करने वाले हैं, एंड इसी के चलते जल्दी ही उनकी तरफ से काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट 4727 करोड़ रुपीज़ की है, और ये काफ़ी बड़ा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। एंड दोस्तों इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है, और वैसे इसका जो प्लान है वो काफ़ी लंबे समय से बनाया जा रहा है। एंड इनिशियली इसके अंतर्गत पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा संगमवाड़ी से येरावाड़ा ब्रिज के बीच में जो स्ट्रेच है उसको डेवलप किया जाने वाला है, जो कि अराउंड 7 किलोमीटर की होने वाली है। एंड ओवरऑल दोस्तों जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा इसको 11 स्टेजेस में डेवलप किया जाएगा, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेच जो कि संगमवाड़ी से येरावाड़ा ब्रिज के बीच में होगी उसको काम स्टार्ट करने के लिए जो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी तरफ से टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए हैं, एंड अराउंड 305 करोड़ रुपीज स्पेंड करके इस फर्स्ट स्ट्रेच को डेवलप किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में स्पेसिफिकली जो तमिलनाडु स्टेट की फूड इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में एक फूड पार्क को सेटअप करेंगे, जिसको उनकी स्टेट में सिपकोड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास में सेटअप किया जाएगा, एंड इसके डेवलपमेंट के लिए जो वर्क है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो फूड पार्क होगा इसको तमिलनाडु स्टेट के गंगाई कोंडन टाउन, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर सेटअप किया जाएगा, एंड ये अराउंड 50 एकड़ के एरिया में फैला होगा। एंड यहां पर हर एक प्लॉट 1 एकड़ का होगा, जहां पर जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्वेस्टर्स होंगे वो उनकी फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप कर सकते हैं। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसका जो काम है वो वैसे तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये जो फूड पार्क है इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत यहां पर सेटअप किया जा रहा है। एंड साथ साथ में यहां पर जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों का हिस्सा रहने वाला है। और वही दोस्तों बात करें यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसके अंतर्गत यहां पर रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, पावर कनेक्शन, ड्रेनेज चैनल्स, वेट ब्रिज, इस तरह की थिंग्स को डेवलप किया जाएगा। एंड ओवरऑल इस फूड पार्क को डेवलप करने के लिए 77.93 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे, एंड जल्दी ये फूड पार्क है ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इनकी बेटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में एक न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करेंगे, जिसको राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हर तरह की अप्रूवल प्रोवाइड करवा दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ये उनकी स्टेट में फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली जयपुर में आता है, वहां पर सेटअप किया जाएगा। एंड इसका मेन पर्पस ये होगा कि यहाँ पर राजस्थान स्टेट से रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्लाइमेट चेंज एक्सपर्टीज को डेवलप किया जाएगा, जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये दोस्तों गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, एंड यहाँ पर जो फैसिलिटीज को सेटअप किया जाएगा वो भी वर्ल्ड क्लास होने वाली है। एंड यहाँ पर एक बार जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्टीज होंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे वो आने वाले समय में राजस्थान स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व की बेटर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज को प्रिपेयर करेंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की जो हेरिटेज हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करने एंड शोकेस करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा सक्सेसफुली उड़ीसा स्टेट में एक न्यू रेल म्यूजियम को डेवलप कर लिया गया है। साथ साथ में इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो रेल म्यूजियम है इसको उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में जो चंद्रशेखरपुर है, जो कि भुवनेश्वर का एक कमर्शियल एरिया माना जाता है, वहां पर सेटअप किया गया है। एंड इसका नाम हमारी रेलवेज के द्वारा कालिंगा रेल हेरिटेज म्यूजियम रखा गया है। एंड दोस्तों रेल म्यूजियम में हमारी रेलवेज के कई सारे ओल्ड इक्विपमेंट्स,
इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। एंड इसी के साथ साथ में यहाँ पर इंप्रेसिव आर्टिफैक्ट्स, मॉडल एंड फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें भी रखी गई हैं। और अभी दोस्तों इस रेल म्यूजियम का जो इंडोर सेक्शन है वहाँ पर अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स, रेलवे मैप्स, इक्विपमेंट्स, फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ों को रखा गया है जो कि आने वाले समय में हमारी रेलवे का जो टूरिज्म है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है तेलंगाना स्टेट की ईवी इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों तेलंगाना स्टेट में जो ईवी अडॉप्शन रेट है उसको इंक्रीज करने एंड उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस करने वाले हैं। एंड साथ साथ में उनके स्टेट में जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोक्योर करें या फिर परचेस करें, इसी के चलते उनके द्वारा उनकी स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी सेटअप किया जाने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि आज के समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो नेसेसिटी बन चुकी हैं एंड इसी के चलते हमारे में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट गवर्नमेंट उनकी स्टेट में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको प्रमोट कर रही है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनिशियल प्लान बनाया गया है कि वो उनकी स्टेट में 600 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिनको उनकी स्टेट में एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, ऑफिस, यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे इनको सेटअप करने का मेन एम ये है कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं उसको कम करना है। एंड इसके अलावा जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑलरेडी उनकी स्टेट में 138 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप भी कर दिया गया है। एंड दोस्तों जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे इनको सेटअप करने के अलावा जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनकी स्टेट में जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड साथ साथ में जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी कई तरह की इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों टिम कुक जो कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर एंड सीईओ, उनके द्वारा खुद कहा गया है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको डबल कर दिया है। एंड दोस्तों इसी के चलते एप्पल इनकॉर्पोरेशन का जो इंडिया में बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% तक ग्रो कर गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कई तरह की पीएलआई स्कीम्स अनाउंस की गई है। एंड साथ साथ में जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है उसी के चलते बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कि अमेरिका से रिलेटेड हैं वो चाइना से निकलकर दूसरी कंट्रीज में जा रही थी, जिसमें एप्पल भी एक ही थी। एंड दोस्तों इसी के चलते एप्पल एंड इसके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इंडिया में भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी। एंड इसी के चलते जो एप्पल है उनकी इंडिया में रिवेन्यू एंड सेल्स दोनों बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गई है। और वैसे बाय डेटा में अगर आपको बताऊं तो लास्ट जुलाई से सितंबर के बीच में जो क्वार्टर था वहां पर एप्पल की जो इंडिया में शिपमेंट्स थी वो 150% तक इंक्रीज कर गई थी अगर आप उसे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। और वहीं बात करें सेम फिस्कल लास्ट पीरियड के बारे में तो ये 28% तक इंक्रीज कर गई थी जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड दोस्तों इसी के चलते एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा इंडिया में लास्ट ईयर 2020 में 3.2 मिलियन यूनिट्स के आईफोन्स बेचे गए हैं जो कि दोस्तों कह सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इनिशिएटिव के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट के न्यू एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों गुजरात स्टेट में अहमदाबाद एंड गांधीनगर जो कि गुजरात स्टेट के दोनों मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स माने जाते हैं इनके बीच में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने के लिए गुजरात स्टेट में एक न्यू एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है जिसको अहमदाबाद स्टेट में बनाया गया है। एंड साथ साथ में इसका इनोग्रेशन भी करके इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो फ्लाईओवर या फिर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये एक 2.36 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है जिसका कंस्ट्रक्शन गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी फ्लाईओवर के बीच में अहमदाबाद में किया गया है। एंड इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 170 करोड़ भी स्पेंड किए गए हैं। एंड दोस्तों जो न्यू एलिवेटेड कॉरिडोर है या फिर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है इसका कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे के बीच में किया गया है जो कि अहमदाबाद एंड गांधीनगर को कनेक्ट करता है। एंड इसी के चलते आने वाले समय में अहमदाबाद सिटी में चार मेन रोड जंक्शन जिसमें 16 भागवत, जनता नगर, कारगिल पेट्रोल पंप एंड जाइडस, इन चारों में जो ट्रैफिक कंजेशन है वो काफ़ी कम होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर के अंतर्गत और इस एलिवेटेड कॉरिडोर ब्रेड के अंतर्गत 1.48 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर पहले से ही बनकर ऑपरेशन हो चुका है जिसको जून में ही स्टार्ट कर दिया गया था। एंड नाउ ये जो 2.36 किलोमीटर की न्यू स्टेज बनकर तैयार हुई है एंड नाउ इस 2.36 किलोमीटर की लॉन्ग स्टेज के चलते ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर जो कि टोटल 4.18 किलोमीटर का है ये पूरी तरह से ऑपरेशन हो चुका है जो कि आने वाले समय में अहमदाबाद एंड गांधीनगर इन दोनों के बीच में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने में काफी योगदान देने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।